नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज का मेरा टॉपिक आसन। आसन के बारे में मैं आपको आज बेसिक से समझाने वाली हूँ और साथ में आप नोट करते भी जाइएगा, अच्छे से समझिएगा। विद्यार्थियों, आसन, आसन आस धातु से बना है। किससे बना है? आस धातु से बना है, ये आप नोट कर लें। आसन आस धातु से बना है, जिसका अर्थ बैठने के संदर्भ में आता है। जैसे किसी भी पोजिशन में आप बैठें उसको आसन बोलते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले आप नोट करिए, स्थिर सुखम आसनम, यह मैंने योग सूत्र से लिया है। महर्षि पतंजलि ने बोला है आसन के बारे में, केवल इतना बोला, स्थिर सुखम आसनम। इन्होंने आसनों की कोई संख्या नहीं बताई है, और तो कई ऋषि मुनियों ने आसनों की संख्या भी बताई है। जैसे विद्यार्थियों आप नोट करें, घृण संहिता में 32 आसन बताया गया है, हठ प्रदीपिका में 15 आसन बताया गया है, हठ रत्नावली में 34 आसन बताया गया है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 3 आसन और शिव संहिता में 4 आसन बताया गया। ये आसन की गिनती है, ये आप नोट कर लें, आपके समझने में आसानी होगी। विद्यार्थियों, आसन को स्पष्ट करते हुए, जैसे महर्षि पतंजलि ने स्थिर सुखम आसनम बोला, इसको आप सरल भाषा में समझें, जो स्थिर और सुखदायी हो वह आसन है। इसका स्थिर सुखम आसनम का क्या अर्थ हुआ? जो स्थिर और सुखदायी हो वह आसन है। आसनों के लिए दो बातें मुख्य हैं, स्थिरता और सुखपूर्वक बैठना, स्थिरता और सुखपूर्वक बैठना। ऐसा नहीं विद्यार्थियों कि स्थिरता तो है, अर्थात शरीर निश्चल है, अटोल है, लेकिन सुख की अनुभूति का अभाव है, यह भी गलत है। स्थिरता के साथ सुख की अनुभूति भी आसन के साथ सम्मिलित है। विद्यार्थियों, यानी अगर आप बैठें तो आपको सुख की अनुभूति भी होनी चाहिए। इस प्रकार की ऐसी अवस्था जिसमें शरीर स्थिर और सुख युक्त आसन कहलाता है। शरीर स्थिर हो और हमें सुख प्राप्त हो रहा हो, कष्ट में ना हम बैठे हों, वो आसन कहलाता है। और समझ लीजिए विद्यार्थियों, जिस अवस्था में स्थिरता पूर्वक बिना कष्ट के बैठा जाए वह स्थित आसन की है। आसन एक नहीं, अनेक हैं। विद्यार्थियों, आसन तो कई प्रकार के हैं। जितनी प्रकार की हमारी योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, उतने प्रकार के आसन हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि ने आसन को संख्या में नहीं बताया, उन्होंने केवल स्थिर सुखम आसनम बताया और बाकी महर्षि या भगवान शिव ने 3 आसन, जैसे मैंने अभी आपको बताया वही है। साधक को जो भी आसन उचित लगे उसी में योगाभ्यास करना चाहिए। विद्यार्थियों, आसनों में कुछ आसन ध्यान आसन के नाम से जाने जाते हैं, जैसे सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन आदि प्रकार के। विद्यार्थियों, इनके अतिरिक्त लेटकर, बैठकर, खड़े होकर करने वाले आसनों का भी वर्णन हमें मिलता है। विद्यार्थियों, इन आसनों के अभ्यास से शरीर को साधना अनुकूल बनाया जा सकता है, यानी योग मार्ग में प्रवृत्त हम हो सकते हैं, साधन योग्य अपने शरीर को बना सकते हैं। विद्यार्थियों, अब आइए जानते हैं आसन सिद्धि का उपाय के बारे में आपको बताती हूँ। आसन सिद्धि को सबसे पहले आप सूत्र में जाने, प्रयत्न शैथिल्यानत्य समापित्यभ्याम। विद्यार्थियों, इसको सरल भाषा में आप जानें, और हाँ, इसको नोट भी कर लें, मैंने स्लाइड पर भी लिख दिया, उससे भी देखकर आप नोट कर सकते हैं। प्रयत्न की शिथिलता और अनंत में समापत्ति हो जाने पर आसन सिद्ध होता है। विद्यार्थियों, अर्थात और सरल भाषा में जाने, शारीरिक चेष्टाओं को रोकने तथा चित्त को व्यापक विषय वाला बनाने से आसन सिद्ध होता है। विद्यार्थियों, आसन सिद्धि हेतु 2 उपाय बताए गए हैं, एक प्रयत्न शैथिल्य, दूसरा अनंत समापत्ति। एक विद्यार्थियों प्रयत्न शैथिल्य और दूसरा अनंत समापत्ति। सामान्य अवस्था में व्यक्ति कोई ना कोई शारीरिक क्रिया करता रहता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आसन सिद्धि में यह क्रिया बाधा डालती है।
आसन सिद्धि, जो हम आसन की सिद्धि करते हैं उनमें जो क्रियाएं करते रहते हैं हमेशा वो बाधा डालते हैं। अतः विद्यार्थियों आसन सिद्धि हेतु उपयोगी है कि समस्त क्रियाओं को प्रयत्न पूर्वक रोक दिया जाए, जो हम क्रियाएं करते रहते उसको प्रयत्न पूर्वक रोक दिया जाए आसन के द्वारा। यह प्रयत्न शैथिल्य है, यानी यह प्रयत्न शिथिलता है। इसके अतिरिक्त दूसरा जो उपाय है अनंत समाप्ति, इसको सरल भाषा में आप जाने, जिसकी कोई सीमा ना हो, सीमा से परे हो। सीमा से परे कौन है? सीमा से परे तो ईश्वर हो सकता है विद्यार्थियों। ईश्वर को अनंत मानकर, ईश्वर को अनंत मानकर ध्यान करने से आसन सिद्धि होती है। जैसे ध्येय वस्तु होती है वह उसी के अनुरूप, जैसी ध्येय वस्तु होती है, जिस प्रकार की दिखने वाली वस्तु होती है उसी के अनुरूप उसका प्रभाव भी पड़ता है। विद्यार्थियों ईश्वर निश्चल है, अडोल है, अतः उसका ध्यान करने से शरीर को स्थिर किया जाता है या स्थिर किया जा सकता है। यह शारीरिक स्थिरता आसन सिद्धि में सहायक बनती है। विद्यार्थियों ये हमने जाना आसन सिद्धि के उपाय, हम कैसे आसन सिद्धि कर सकते हैं किस तरह से। विद्यार्थियों अब आइए जानते हैं आसन जब हम सिद्ध कर लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। विद्यार्थियों सबसे पहले आप सूत्र जाने, ततो द्वंद्वानि विघाता, इसको सरल भाषा में जाने, उससे द्वंद्वों का अभिघात नहीं होता है। या विद्यार्थियों महर्षि पतंजलि के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने कहा है द्वंद्वों का प्रभाव नहीं होता है, उससे द्वंद्वों का अभिघात नहीं होता है अथवा द्वंद्वों का प्रभाव नहीं होता है। अर्थात और सरल भाषा में जाने, और हाँ इसको आप नोट जरूर कर लें क्योंकि ये नेट के सिलेबस में पूछा जाता है, आसन सिद्धि से द्वंद्वों को सहने की क्षमता विकसित हो जाती है। क्या होता है? आसन सिद्धि से द्वंद्वों को सहने की क्षमता विकसित हो जाती है। द्वंद्व का अर्थ है विद्यार्थियों सर्दी गर्मी, भूख प्यास, सुख दुख, मान अपमान आदि प्रकार के, ये सभी हमें विचलित कर देते हैं, ये सभी विचलित करने वाले होते हैं। आसनों के अभ्यास से शरीर इस योग्य बन जाता है कि वह इन विषय परिस्थितियों में संतुलन रख सकता है। विद्यार्थियों आसनों के अभ्यास से शरीर इस योग्य हमारा बन जाता है कि वह इन विषयों परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है, यानी विचलित नहीं होता है। चाहे सर्दी गर्मी का प्रभाव ना शरीर को कष्ट दे सकता है ना मन को कष्ट दे सकता है। आप सभी महसूस करते होंगे अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या ज़्यादा सर्दी हो रही है तब हम बहुत व्याकुल हो जाते हैं, हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता, या किसी ने हमें कुछ गलत बोल दिया तो हमारा माइंड एकदम डिस्टर्ब रहता है, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो महेश पतंजलि ने कहा कि इन सबसे हमें मुक्ति मिलती रहती, मुक्ति मिल जाती है, द्वंद्वों से मुक्ति मिलती है, यानी द्वंद्वों को सहने की क्षमता विकसित हो जाती है। इसी प्रकार भूख प्यास की स्थिति उसको विचलित नहीं करती है। अतः विद्यार्थियों ऐसे कई द्वंद्व जो उसे विचलित करते हैं उन पर उसका नियंत्रण स्थापित हो जाता है, यानी वह उन पर नियंत्रण कर लेता है। ऐसा माना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार ही सहन कर सकता है, ऐसा कि महसूस कर सकते हैं आप, किसी के अंदर ज़्यादा गर्मी, किसी को ज़्यादा गर्मी सताती है या किसी को ठंडी ज़्यादा सताती है, भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य होते हैं। उसी प्रकार चाहे सर्दी हो अथवा गर्मी, भूख हो अथवा प्यास हो, यही बात साधक के लिए भी विद्यार्थियों लागू होती है। ऐसा नहीं सामान्य मनुष्य के लिए लागू होती, जो साधना के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है या प्रगति रहता है या प्रयत्नशील रहता है उसके लिए भी यही नियम सारे लागू होते हैं। यदि आसन में सिद्धि प्राप्त हो जाती है जो सामान्य अवस्था से वह विशेष अवस्था में पहुंच सकता है, अगर सिद्धि प्राप्त हो जाती सामान्य अवस्था से वो विशेष अवस्था में पहुंच सकता है। अर्थात विद्यार्थियों शरीर मन को साधने से इन द्वंद्वों को सहने की क्षमता का सामान्य से और अधिक विकास किया जा सकता है। वह शक्ति
आसन से द्वारा सिद्धि होती है विद्यार्थियों। वह शक्ति किससे आती है? आसन के द्वारा ही सिद्ध होती है। तो ये विद्यार्थियों हमने जाना आसन सिद्ध होने पर क्या लाभ मिलते हैं। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपके समझ में अवश्य आया होगा, और जहाँ कहीं भी ना समझ में आए आप मुझसे दोबारा पूछ लिए, कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और अपने इष्ट मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ उनको भी लाभ प्राप्त होता रहे। और अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।